नहीं देखा है तो वो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से बताया है कि किस तरीके से आप ट्रेन के माध्यम से शिमला पहुंच सकते हैं। तो चलिए मैं और आप मिलकर शिमला के मॉल रोड की सुंदरता का आनंद लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या है इस शिमला मॉल रोड पे घूमने के लिए। मॉल रोड शिमला का सबसे सुंदर और बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। यहाँ लोग घूमने आते हैं, खरीदारी करते हैं और मज़े करते हैं। यहाँ पर अनेकों अनेक दुकानें हैं जो खास चीज़ें बेचती हैं, जैसे कि कपड़े, आभूषण और स्थानीय उत्पाद। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ अच्छा खाना और लोकल डिशेस खा सकते हैं। सिटी पॉइंट एक शॉप है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि अब जो है मॉल रोड की स्टार्टिंग हो गई है और हमारे राइट हैंड साइड पे काफ़ी शॉप्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। वैसे तो आपको काफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट और बेकरी मिलेंगे मॉल रोड पे, जहां आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉल रोड जो है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 बजे तक खुला रहता है रात में। और लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मॉल रोड पे हैं और अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो कुछ प्लेसेस हैं जो मैं सजेस्ट करूँगी, वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं। शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है, अगर आपको पंजाबी फूड का बहुत पसंद है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको मिठाइयाँ पसंद है तो रामचंद्र दिलारम कृष्ण विलास करके है, वहाँ पे आप मिठाइयाँ और नॉर्थ इंडियन फूड्स भी आप खा सकते हैं। और त्रिशूल बेकरी, जो बेकरी इसमें बहुत फेमस है, इसकी लोकेशन आप गूगल मैप के थ्रू भी आपको मिल जाएगी। आप त्रिशूल बेकरी जा सकते हैं, जहाँ पे वेराइटीज ऑफ आपको केक्स, पेस्ट्रीज और बिस्किट्स मिल जाएंगे। और फिर आपका चौथा है हारमोनिका बेकरी, ये भी आपको मॉल रोड पे मिल जाएगी। आपको बस इसकी लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी, ये अपर रोड पे है या फिर लोअर मॉल रोड है, तो वहाँ पे भी आपको बेहतरीन केक्स और पेस्ट्रीज और ब्रेड्स मिलेंगे, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और चौपाटी भंडार, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन दिल्ली टाइप स्टाइल का भारत जो चाट होता है वो आपको मिलेगा, पानी पूरी और इंडियन फूड ऑफकोर्स वो मिलेंगे और स्नैक्स मिल जाएंगे। तो ये आप चीज़ें जो हैं अगर आप वहाँ पे ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप हिमाचली भोजन ट्राई करना चाहते हो, जो हिमाचल का लोकल खाना होता है वो भी ट्राई करना चाहते हो, उसके भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको मॉल रोड पे मिल जाएंगे, जिसमें एक है जूना बक्सा। यह एक बहुत ही फेमस हिमाचली रेस्टोरेंट है, जो आपको यहाँ पे हिमाचल का लोकल फूड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हिमाचली रसोई भी है, यहाँ पे भी आप जाकर जो है वो सिद्धू जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। और दाना पानी तीसरा रेस्टोरेंट है जो हिमाचली फूड सर्व करता है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। बस आपको एट द टाइम अगर आप वहाँ पे हो तो आपको एक बार पूछना पड़ेगा कि टाइम जब आप वहाँ पे हो वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। और चौथा है शांति भोजनालय, यहाँ पे भी आपको हिमाचल का लोकल डिश मिल सकता है, तो अगर आप हो तो आप यहाँ से इनमें से किसी भी रेस्टोरेंट पे जाकर एक बार पूछ कर अगर उनके पास अवेलेबल है तो आप ट्राई कर सकते हो। ये है मेरी रिकमेंडेशंस। सो फाइनली हम आ गए हैं द रिज पे, जो कि आप देख सकते हो, और उधर से जो है काफ़ी काले बादल आ रहे हैं और सामने आपको दिख रहा होगा चर्च।
काले बादल और दूसरी साइड से धूप, और ये बहुत ही सुंदर है। ये फेबररी एंड का टाइम है और ठंड है, काफ़ी थी ठंड वहाँ पे, और जिस हिसाब से मौसम बन रहा था ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और बट जो है हो सकता है स्नोफॉल भी हो जाए, तो आगे वीडियो में आप। सो अब हम आपको लेकर आ गए हैं सेंट मैरी चर्च, जो शिमला के मॉल रोड रिज पे है। ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे बना हुआ था, इसे ब्रिटिश इंजीनियर्स द्वारा बनवाया गया था 1850 में। यह एक गोथिक शैली में बना हुआ चर्च है और ये एक ब्रिटिश कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इस टाइम ये मॉल रोड पे सबसे बड़ा आकर्षण भी है। स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं और हो रही है हल्की हल्की स्नोफॉल, लग रहा है हो जाएगी क्योंकि स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं यहाँ पे तो, और मौसम पूरा स्नोफॉल का बन चुका है, शायद स्नोफॉल हो जाए आज, और अगर हुई तो हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि स्नोफ्लेक्स तो आ गिर रहे हैं प्रॉपर। शिमला के मॉल रोड पर आपको बहुत सारे स्थानीय या फिर लोकल कपड़ों की शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप जाकर लोकल प्रोडक्ट जो है वो आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। ऐसी ही जगह है ये हिमाचल हस्तशिल्प, यहाँ आपको हिमाचल के पारंपरिक और स्थानीय कपड़ों का जो है कलेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि कुल्लू और कांगड़ा की शॉल्स हो गई, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो गए आपको, और जो हिमाचली टोपी होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, और जो लोकल फूड या फिर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हनी जो एक्सट्रैक्ट करते हैं लोकली, वो प्योर हनी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोग सेल करते हैं और आप चाहे तो खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स और शॉप आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। ये वाला 800 का आएगा, ये वाले भी 600 के। इधर न ले ले परेशान हो ना, इधर जा रहा हूं मैं, क्यों मचा रहा हूं। कल ज्यादा होएगा, कब चला? नहीं नहीं कर, ये बढ़िया है ना, ओके। और स्टॉल्स है, स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 500। एक बार वो दिखाएंगे कैसा है। हाँ ओके। और वहाँ से निकलते ही काफ़ी शाम हो गई थी, बादल घिर आए थे और स्नोफॉल भी होने लगी थी। प्रॉपर स्नोफॉल नहीं हो रही थी, बट काफ़ी हद तक जो है स्नोफ्लेक्स हैं जो डेंस थे थोड़े, वो दिख रहे थे। मैंने कभी भी स्नोफॉल नहीं देखा था, तो मेरे लिए काफ़ी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सो मैंने आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड किया है, अगर आप देख पाओ तो कैसे स्नोफॉल आ रही है। सो फाइनली इट्स स्नोइंग इन शिमला एंड आई कैन सी अ स्नोफॉल। थोड़ी अभी इतनी डेंस नहीं है। कितना सही हो रहा है यार, सो ये स्नो है। फाइनली पहली बार देख रहे हैं स्नोफॉल होते हुए, अभी हो नहीं रही, इतनी डेंस नहीं है बट है।
देर तक हुई नहीं थी स्नोफॉल यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारे लिए फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत ही अच्छा लगा था। और कुफरी में हुई थी स्नोफॉल, क्योंकि नेक्स्ट डे जब हम कुफरी गए थे, जो कि आपको अगला ब्लॉग आएगा उसमें आपको दिखेगा, वहाँ पे हल्की बर्फ पड़ी थी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी व्यू के साथ अब हम जा रहे हैं लोअर मॉल रोड, और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि शाम हो गई थी और अब हमें भूख भी लग रही थी। और देखिए आपको व्यू दिखाते हैं, और जैसे जैसे नीचे लोअर मॉल रोड, उससे भी लोअर मॉल रोड पे अगर जाएंगे नीचे, तो फिर अब हमें टाइम हो रहा था कि हम अपने होटल जाएँ, क्योंकि फैमिली के साथ थे और काफ़ी थक भी गए थे, तो इसलिए अब हमने प्लान किया कि अब हम जाते हैं अपने होटल की तरफ। सो इसी के साथ जो है ये वाला ब्लॉग, जो शिमला मॉल रोड का ब्लॉग है, वो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और जो नेक्स्ट डे जो है वो हमारा जाकू टेंपल और कुफरी का ब्लॉग है जो आएगा, और आप वो उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो आप कैसे प्लान कर सकते हो वो सब भी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें आपको बताऊंगी, और इसके बाद आप जा सकते हो, प्लान कर सकते हो शिमला का ट्रिप। और अभी बहुत गर्मियाँ नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो तो अप्रैल से पहले प्लान कर लो। और यहाँ पे अभी हमें दिख गया था सनसेट, और हम यहाँ पे कैप्चर करने लगे थे, और आपको भी अगर दिख रहा होगा तो सूरज। चलिए इसी के साथ चलते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए ब्लॉग में।